आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सोल्यूशन। इस एक्सरसाइज के पहले टास्क की बात करें तो कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ट्री पोजीशन एट इन ऑन अबव बिहाइंड ओवर अक्रॉस अंडर एंड विद। ये वो ट्री पोजीशन जो आपको दिए गए हैं आपके सेंटेंसेस में, इनको पुट आउट करने आपको मेक श्योर करना है कि ये हाईलाइटेड हो। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास यहाँ पर, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। जो भी पोजिशन उसमें यूज हुआ है मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है। देन कहता है द मूवी स्टार्टेड 7 PM, द कार इज पार्क इन द गैराज, द कैट जंप ओवर द फेंस, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। तो यहाँ पे ऑन एट इन ओवर विद आपके पास प्री पोजिशन थी जो कि यूज किए गए थे। सेम यहाँ पर आपके पास हम जो है सेकेंड टास्क को चेक आउट करते हैं तो उसमें कहता है कि डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द यूज ऑफ प्री पोजिशन, राइट करेक्ट इनकरेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। सेंटेंसेस आपने देखना है प्री पोजिशन के अकॉर्डिंगली ठीक है या नहीं है। तो पहला सेंटेंस है द कीज आर इन द कार, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। द कार इज बिहाइंड द ट्री, कार जो है वो ट्री के पीछे, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द बर्थडे पार्टी इज एट संडे, हमारे पास इनकरेक्ट है, इसमें प्री पोजिशन आप देख सकते हो कि गलत तरीके से यूज किया गया। देन यहाँ पे दो और सेंटेंस होते हैं, उसमें है द पेपर इज ऑन द डेस्क जो की करेक्ट है, और द कार इज हाइड द कैट इज हाइडिंग ऑन द सोफा, ये भी हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट है। या तो वो अंडर होगी या तो फिर जो है वो क्या होगी अपर की साइड पर या फिर अबव या फिर ओवर का प्रीपोजिशन हम जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी काफी अच्छी सी कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की हैंड ऑन एक्सरसाइज 2। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। ऑल एक्सरसाइज को इसके साथ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए। ये कम्प्लीटली फ्री और आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए It does it.